दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव जहांगीरपुर में और हमारे साथ हैं गुलिया चौरासी खाप के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर। और आज स्वर्गीय दयाकिशन जी को आज नमन किया गया है। उनकी रसम 17वीं के अवसर पर धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। अपने पूर्वजों को नमन किया गया है। समाज में एकता और भाईचारे के संदेश के साथ आज इस धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान का आयोजन उनके पुत्रों के द्वारा किया गया है। हमारे साथ उनके पुत्र हैं भाई भूदेव गुलिया जी, जिन्होंने अपने पूर्वजों को नमन करते हुए समाज की 36 बिरादरी को एकत्रित किया है। आइए बात की शुरुआत करते हैं चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर से, जो गुलिया खाप चौरासी के प्रधान हैं। आज जहांगीरपुर में गुलिया परिवार के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में एक धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो परिवार है इसका शुरू से ही सामाजिक रुझान बहुत अच्छा रहा है। और भूदेव जी जो है उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। हमारे दादाजी जो दयाकिशन जी थे वो आर्मी मैन थे। उन्होंने आर्मी में काफ़ी लंबी सेवा दी है, देश सेवा की है। और उनका अपना जो व्यक्तित्व था वो भी बड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा, समाज के प्रति बहुत अच्छा रुझान। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वो प्रेजी और इतने, मतलब एक साधु जीवन जीने का जो एक तरीका होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने 20 साल तक एक भयंकर बीमारी से लड़ाई लड़कर अपने जीवन को की जो डोर परमात्मा ने उनसे छीनी है, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में आकर उन्होंने अपने सांस पूरे किए हैं। और वो अपने पीछे जो है, अभी इनके दो भाई भी हैं दयाकिशन जी के जिंदा, बाकी ये चाचा ताऊ के जो हैं 6 भाई थे, उनमें से 2 सुकरम जी और दलीप मासे जी जो हैं वो अभी जिंदा हैं। और इनके खुद के जो है 3, परमात्मा ने 3 पुत्रों की और 1 पुत्री की प्राप्ति दयाकिशन जी को हुई थी। तो इस परिवार जो है संपन्न परिवार है। इनको पगड़ी बांधने का समाज ने काम किया। भूदेव जी बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, उसके बाद सुखदेव जी हैं, फिर विजेंद्र जी हैं। तो सारे परिवार ने, पूरे इनके खानदान ने मिलकर इसको और पूरे गांव के सहयोग से इन्होंने एक महाब्रह्मभोज का जो कार्यक्रम किया है और साथ में एक महायज्ञ था। और ये आर्य समाजी परिवार है। आर्य समाज के यहाँ से भी, गुरुकुल से भी एक टीम आई थी। उन्होंने भजनों का भी अच्छा आयोजन किया। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये जो डोगा है ये इनका खानदानी डोगा है। 2-3 पीढ़ी से इस डोगे ने, मैं लेख ना था, मेरे को दे दो। ये जो डोगा है ये इन्होंने अपने, इनके जो 3 पुत्र हैं अपने दयाकिशन जी के, उन्होंने कभी किसी कालखंड में काफ़ी पहले अपने फादर साहब को जो है भेंट किया था। और वो उनको जो है आज परमपिता परमात्मा को प्यारे हो गए, वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये हमने और परिवार ने मिलकर ये विचार विमर्श किया, क्योंकि भूदेव जी का अपना जो जीवन है वो भी सामाजिक जीवन है। और पूरे परिवार ने इनकी जिम्मेवारी लगाई कि हमारी तरफ से आप जो समाज में अपनी शिरकत किया करो। तो ये डोगा आज हमने, पूरे समाज ने मिलकर, परिवार ने मिलकर भूदेव जी को जो है प्रदान किया है। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इस डोगे का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति के अंदर। और ये जो पगड़ी है इसका तो इतना बड़ा महत्व है कि ये एक सफ़ेद कपड़ा नहीं है कि हमने इसको सभी, इसकी मान मर्यादाएँ बहुत होती हैं। एक कपड़ा लपेटने से कुछ नहीं होता कि भैया सिर पर उठाइए। समाज ने इसको रखा है, इसके लिए बड़े मजबूत कंधों की ज़रूरत है। तो ये एक मजबूत कंधे इनके स्वयं भी हैं और हम पीछे से पूरा समाज इनके साथ है, पूरा गांव इनके साथ है। हम इनके कंधे मजबूत करने का काम करेंगे और ये इसको निभाने का काम करेंगे। अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए, अपने पूर्वजों को नमन करना, समाज के भाईचारे को जोड़ना, ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। जैसा कि चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर ने कहा है कि आज समाज ने, 36 बिरादरी ने, गांव गोहान ने आज इनके सिर पर एक जिम्मेदारी दी है। इनको जो पगड़ी पहनाई गई है वो समाज के प्रति इनके उत्तरदायित्वों को इनको याद दिलाती रहेगी। जिस तरह से इनके परिवार ने, आर्य समाजी परिवार है जैसा कि जानकारी दी गई है, समाज में नेक कार्य करने की जो रीत है वो लगातार निभाते रहेंगे गुलिया परिवार। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आपको दी गई है समाज के द्वारा, ये पगड़ी धारण आपने की है, तो क्या कहना चाहेंगे? समाज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से इसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूँगा और समाज के साथ रहूँगा जी। तो इस तरह के आयोजन से आप क्या समझते हैं, भाईचारा बढ़ता है? ये बहुत बढ़िया आयोजन है। और संजय जी, हमारे प्रधान जी ने, 84 खापके ने और इस परिवार ने, और हमारे जो काका दयाकिशन जी थे वे एक इतिहासकार आदमी थे, सेनानी थे, और ये परिवार, ये बहुत बढ़िया आयोजन है। इसे गांव में, आस पड़ोस के जितने गांव हैं, गवांड हैं, बहुत खुश हैं। और हम इस प्रोग्राम से खुश हो, आने वाली पीढ़ियाँ इसको देखेंगी और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगी जी। बिल्कुल, और देखिए जहांगीरपुर गांव में लगातार जो आयोजन है, चाहे खेल स्पर्धाओं की बात करें या
अपने हकों की लड़ाई की बात करें और आज एक धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान का आयोजन कर इन्होंने पूरे क्षेत्र में संदेश दिया है भाईचारे का, एकता का। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दादाजी के चरणों में नमन करता हूँ, हमारे गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया जी, धर्मवीर जी IPS दिल्ली से, तो इनका भी यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। रही बात दादाजी के परिवार की, इनका परिवार शुरू से ही गांव में एक अच्छे कार्य में लगा हुआ है। अभी दादाजी है जो अपने भूदेव जी, ये दिल्ली पुलिस के जब रिटायरमेंट आए तो इनको प्रधान बनाया गया था, तो गांव में कोई भी अच्छा प्रोग्राम हो दादाजी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और जैसे प्रधान जी ने बताया, ये जो पगड़ी है ये लत्ता नहीं है, ये पूरे पुलिया खाप का और पूरे जो यहाँ पर आए उनका सम्मान है, तो ये और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे मैं आशा करता हूँ। तो दादाजी के दोबारा मैं चरणों में नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति जी। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा आयोजन इस क्षेत्र और इस समाज के भाईचारे के लिए किया था और आज ये जहांगीरपुर में मौजूद है। ये भाई भूदेव ने जो श्रद्धा अर्पित की है अपने पिताजी के प्रति, ऐसा सभी लोग करें तो समाज में भाईचारा और लोग बच्चों को भी ये शिक्षा मिलेगी, वे अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, ये अच्छी परिपाटी है। बिल्कुल, और देखिए तमाम जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इसे प्रेरणा पाएंगे और अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, अपनी खाप से जुड़ा जाए, अपनी संस्कृति को पहचाना जाए और अपनी जड़ों से जुड़ा जाए, इन सब का भी आज यहाँ से एक संदेश दिया गया है। खजान सिंह जी क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा, सारे जीते और मिला जुला आदमी है और आज जो आयोजन है बड़ा बढ़िया आयोजन है और आगे भी ऐसा करना चाहिए जी। हाँ बढ़िया जी, बहुत बढ़िया से मरदा का जी और गांव का पूरे का तन मन धन से बिल्कुल। और गुलिया खाप का इतिहास रहा है, स्वयं सुनील गुलिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। गुलिया खाप ने हमेशा समाज में चाहे न्याय की बात हो, चाहे अधिकारों की लड़ाई की बात हो, समाज में एकता भाईचारे का संदेश देने का काम हमेशा गुलिया खाप ने बढ़ चढ़ कर किया है। अन्य खापों के लिए प्रेरणा बनी गुलिया खाप ने आज एक बार फिर से इस आयोजन के माध्यम से तमाम गुलिया खाप के लोगों के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश को एक संदेश दिया है एकता व भाईचारे का। बिल्कुल गुलिया खाप की परंपरा रही है सुनील जी, और आज फिर से इस अनुष्ठान के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये जो परिपाटी है, काज की जो प्रथा है, काज की प्रथा हमारे गुलियाओं से ही शुरू हुई थी, उस काज को सदैव याद रखा जाएगा। 1846 में हमने पहला काज किया था और वो बादली में काज हुआ था और वो बहुत ही संपन्न काज था, तो ये परिपाटी ही हमारी गुड़िया खाप से चली हुई है। और ये उस जमाने की परिपाटी है कि उस टाइम पे खाने को अन्न नहीं होता था, बड़े बड़े अकाल पड़ते थे, उस टाइम पे कोई कृषि यंत्र नहीं होते थे कि बड़ी मुश्किल से जो है ना परमात्मा परमपिता परमात्मा के ऊपर जो है किसान आश्रित था। लेकिन उस कालखंड में भी हमारे जो है पूर्वजों ने उसमें एक बहुत बड़ा कार्य का आयोजन किया था, तो ये इस प्रकार की हमारे DNA के अंदर है चीज़, और हम बार बार इस चीज़ को दोहराने का काम करते हैं। दिशोरिकार जो अभी हमारे धर्मवीर जी ACP साहब हैं, इन्होंने अपने माता पिता का दिशोरिकार किया था, वो भी आपके सामने। उससे पहले हमने तो हमारी खाप ने तो गऊ का काज भी किया है, एक गऊ माता का दिशोरिकार कर दिया, तो हमारे DNA के अंदर है ये चीज़, और इसको हम सदैव करते रहेंगे। इससे हमारे को, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो समाज है, समाज इससे एक मिलने का अवसर मिलता है, समाज के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसी प्रेरणा और ऐसे संस्कार का संस्कारों का प्रवेश होता है उनके दिमाग में कि हम अगर अपने पूर्वजों की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको अगर बदस्तूर करते रहेंगे तो अगले आने वाली जो पीढ़ियाँ उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं तो इस परिवार का धन्यवाद करता हूँ, और मेरे गाँव का, मेरे क्षेत्र का और मेरे जितनी भी भाईचारा यहाँ है, उन्होंने तन मन धन से मतलब इतना सहयोग किया हमारे इस गांव का, क्योंकि ये गांव का चूल्हा ने प्रोग्राम था, बाकी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति थे वो सारे हमारे पूरी खाप के थे, तो सभी ने हमारे को आशीर्वाद देने का काम किया। तो मैं अपनी खाप का जो है जिम्मेवारी मेरे को दे रखी है और इस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से इसका निर्वहन करूँ। और अगर कोई चीज़ है तो देखो, ज्ञान कभी किसी का पूरा नहीं होता, तो मैं सीखने की बड़ी कोशिश करता हूँ, अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में रख लेता हूँ, ना तो अपनी सुनीर बाहर निकाल दी कि दिमाग में जगह कम होती है, तो उसमें मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ अच्छा करने की। और मेरा साथ देती है मेरे खाप की जो जनता है, मैं इनका सदैव ऋणी रहूँगा और मेरा ये सदैव साथ देते रहे, मैं इनसे जो है अनुरोध करता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा समापन होगा।